और मेरे बिग बॉस प्रेमियों, कैसे हालचाल? बढ़िया। मैं आपका खुराफाती छोकरा लेके आ गया हूँ आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी सारी खुराफात। और अरे क्या करूं क्या करूं, मैं इसका मार भी तो नहीं सकता, जानता जो नहीं है ये मुझे। अरे मैं जान की बात कर रहा हूँ यार, क्या जरूरत थी ये लाइन बोलने की कि मेरे को मराठी से चिड़ मस्ती है, मराठी मुझे नफरत है। अरे भाई चुपचाप बोल के निकल जाता कि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन नहीं, बाहर वालों को थाली में परोस के मुद्दा दे दिया। और अब शिवसेना ने तो धमकी दे ही दी है, साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख जी, उन्होंने बोल दिया है कि किसी को भी आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, इसके ऊपर हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। अरे आपका बिग बॉस के घर में पुलिस बुलाओगे क्या यार, ये कैसी नौबत आ रखी है? मतलब पुलिस आ गई ना घर में, कोई निक्की विक्की नहीं बचाएगी, सबसे पहले निक्की हाथ खड़े कर देगी कि मैं तो इनको जानती नहीं हूं। उधर सलमान भाई अलग टेंशन में आ रहे हैं कि यार शेरा को बुलाओ, ये पुलिस अंदर आ गई तो कहीं मुझे ना पकड़ ले। उनका अलग नाता है पुलिस के साथ। तो भैया मैं इसलिए कह रहा हूं, सोच समझ के कोई बात बोलो। और एक वार्निंग और दूंगा, चुपचाप बिग बॉस से कान में जाके पूछ लेना कि सुनो पापा से कह के पैसे मंगवा लेता हूँ, मेरे को इस घर से बाहर मत निकालना, मैं यही रहना चाहता हूँ, बाहर मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए भैया, प्लीज। ऐसी हालत ना हो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भैया सोच समझ के बोला करो। बाकी बिग बॉस से जुड़ी बाकी खुराफाती खबरें भी मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। आपका खुराफाती छोकरा हर्षित।